को मदद देने वाली संस्था के नाम से मशहूर समर्पण सेवा समिति के 4 साल पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई क्षेत्रों के मान्यवरों ने शिरकत की। कोविड के काल में और उसके बाद भी जरूरतमंदों को मदद करने वाली संस्था समर्पण सेवा समिति ने अपने 4 साल पूर्ण करते हुए 5वें साल में प्रवेश किया। इस अवसर पर माजी आमदार गिरीश व्यास इनके ऑफिस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्य और दानदाता भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अध्यक्ष गिरीश व्यास इनका सत्कार भी समिति सदस्यों द्वारा किया गया। समिति ने कोविड काल में 6000 से ज्यादा लोगों को मदद की, साथ ही पूरे समय समिति मेडिकल से जुड़े सामानों को भी जरूरतमंदों को देती है, जिससे अचानक आई बीमारी में लोगों को वो सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी इससे मदद मिलती है। समिति विविध कार्यों के माध्यमों से मानव सेवा का कार्य कर रही है। 2017 में कुछ युवकों के मन में आया कि समाज सेवा के लिए कोई एक संस्था बनानी चाहिए, कौन से दिशा में काम करना है जिससे समाज की सेवा हो। ये जब हमने विचार विनिमय किया, तब मैं, नरेश जुम्मानी, रमेश जी जसोरे, उमेश जी महतो, डॉक्टर महेश तिवारी जी, हम सब लोगों ने तय किया कि कोई तो भी सेवा का कार्य वैद्यकीय क्षेत्र का करना चाहिए, और एक कल्पना है कि मेडिकल बैंक क्यों ना शुरू की जाए। फिर 2018 में हमारी संस्था बनी। तत्कालीन नागपुर शहर के आयुक्त पुलिस माननीय भूषण कुमार जी उपाध्याय इनके हाथ से और डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा की उपस्थिति में धनसन लॉन में एक कार्यक्रम हमने किया और इस संस्था का कार्य प्रारंभ हुआ। और इस संस्था के माध्यम से हम लगातार 4 साल से काम कर रहे हैं। इस बीच आपको भी मालूम है कि 2 साल पेंडेमिक थे, कोरोना का पीरियड था। इस कोरोना के पीरियड में भी संस्था ने उस दृष्टि से कार्य किया। हमने लोगों को किट बांटी, अनाज बांटा, हमने लोगों के लिए भोजन भी तैयार किया। लोगों को रोज एक 400-500 लोगों का भोजन हम जगह जगह जाकर बस्तियों में देते। ये सारा काम कोरोना के अंतर्गत किया। वैक्सीनेशन आई तो वैक्सीनेशन भी शुरू की। इस बीच में कुछ इसके अंदर इस किताब का, जिसका आज हमने परिचय पत्र का उद्घाटन किया, विमोचन किया, इसमें है कुछ लोगों को हमने साइकिलें दी, कुछ को सिलाई मशीन दी, कुछ को रोजगार का अवसर लगा दिया, क्योंकि लोगों के पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हमने पलंग दिए ऑपरेशन के बाद के, कमोड़ दिए, वॉकर दिए, व्हील चेयर दी, हमने सलाइन स्टैंड दिए, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर दिए, हमने बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे। हमारे गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा हमने बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे। हमने डॉक्टर नाकाड़े के हॉस्पिटल में कोविड सेंटर भी समर्पण ने चलाया। और इन सब कामों के माध्यम से समर्पण ने लगातार मेडिकल क्षेत्र के इसमें काम किया है। हमको अपने काम पर अभिमान है कि 4 साल में 6000 से ज़्यादा लोगों को हमने अपनी सुविधाएं पहुंचाई है, और इन सुविधाओं का निश्चित रूप से हम सब दानदाताओं के प्रति कृतज्ञ हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बिना उनके सहयोग के कुछ नहीं होता। हमने एक एम्बुलेंस भी इस कोरोना के काल में खरीदी, जिसमें हमें संदेश परिवार ने भी मदद की, तो हमें प्रकाश वाधवानी ने भी मदद की, किशोर भैया ने भी मदद की, तो हमने भी हमारी तरफ से, मैंने भी कुछ मदद की, और सब लोगों ने थोड़ा ना थोड़ा मदद करके उस 9-10 लाख रुपए की एम्बुलेंस भी आज हमारी सेवा में यहाँ उपलब्ध है। हमारे राकेश गांधी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु के पश्चात एक बॉडी फ्रीजर हमको दिया, जो ज़्यादा काम कर रहा है, लगातार वो लोगों के उपयोग में आ रहा है इस कठिन परिस्थिति में। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग समाधानी हैं, और इतना भी समाधानी नहीं है, अब हमें जगह की आवश्यकता है। हम जगह लेना चाहते हैं, और एक जगह लेकर वहाँ से साहित्य को रख के और हमें एक ओपीडी चालू करके, हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स मित्र भी जुड़े हैं, डॉक्टर शिरीष जी चांडक हैं, डॉक्टर सुनीता मैडम हैं, डॉक्टर सुरेश चांडक है, डॉक्टर नकुल चांडक है, डॉक्टर राजगिरे मैडम हैं, डॉक्टर राजगिरे साहब हैं, ये सब मिलके एक ओपीडी भी हम चालू करने वाले हैं जल्दी। कृपाल सिंह हमारे एक सदस्य हैं जो मेडिकल क्षेत्र में काम करते हैं, उनके माध्यम से हम बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन का कैंप भी लेते हैं। 100-100 लोगों ने हमको कोरोना काल में 2018 में, 19 में, 20 में लगातार हमने 150-150 बोतलें रख यहाँ पर इसी हॉल के अंदर कलेक्ट करके दिए। तो मुझे लगता है कि सही दिशा में हमारा एनजीओ जा रहा है, और मैं दानदाताओं से आग्रह करूँगा, आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्रामाणिक सेवा करने वाली
इस समर्पण सेवा संस्था को आप भी जानिए, हमारे साथ जुड़िए, कार्यक्रम की जानकारी लीजिए, लाभार्थियों से परिचय करिए और फिर जो आपकी शक्ति हो इस संस्था को और आगे सेवा में बढ़ाने के लिए मदद करें। हमारा उद्देश्य आने वाले दिनों का कि हम नागपुर की 6 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी 6 ब्रांचेस चालू, हम बहुत आने वाले 2022-23 में हमारा कोर कमेटी का निर्णय कि 22-23 में हम 6 विधानसभा में हमारे 6 ब्रांचेस चालू करेंगे। वहाँ के लोग उस क्षेत्र के लोगों को मदद करेंगे, केवल एक जगह हम मदद नहीं करेंगे, इसको और विस्तार करने का हमारा इरादा है। जो लोग इस संस्था में काम करना चाहते हैं वे हमारे पास आएँ, संपर्क करें, बातचीत करें, उनके बारे में जानकर हम उनको भी जिम्मेदारी देके मदद भी देंगे। इतना ही आपके माध्यम से कहते हैं, आज के वर्धापन दिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समर्पण सेवा समिति पिछले 4 वर्षों से जो कार्य कर रही है वो संपूर्ण नागपुर वासियों के सामने है। समर्पण सेवा समिति ने पिछले 4 वर्ष पहले जो एक छोटा सा पौधा लगाया था उन्हें सभी सदस्यों ने सींच करके एक वृक्ष का रूप दिया। उस वृक्ष ने नागपुर के अंदर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उस पहचान को एक संभालने का अस्तित्व, जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर में है, समर्पण सेवा समिति ने सदा अपना दायित्व निभाया। समर्पण सेवा समिति ने एक छोटे से मेडिकल बैंक का लोकार्पण किया था, लोगों की जरूरतों को देखते हुए उसे एक विशाल रूप दिया, जिसका लोकार्पण आज से 4 वर्ष पूर्व संस्था हमारे संस्था ने किया। एवं उस समय सीपी भूषण कुमार जी उपाध्याय, वेद प्रकाश जी मिश्रा ये उस समय मुख्य अतिथि थे, जिनके हाथों से ये शुभारंभ हुआ और वो आज तक निरंतर चालू है। लोगों को समर्पण सेवा समिति मेडिकल बैंक के दायित्व से सामग्री उपलब्ध कराती है, निःशुल्क देती है, पलंग, व्हीलचेयर, वॉकर, वॉकिंग स्टिक, एयर बेड, कमोड चेयर, ये सारी चीज़ें ज़रूरतमंद पेशेंटों को घर पर उपलब्ध करा करके देना और उसे पुनः उसकी ज़रूरत समाप्त होने के बाद में मेडिकल बैंक में वापस जमा कराना। पिछले 2 वर्ष पूर्व कोरोना काल के अंदर में जब शहर की स्थिति नाजुक थी, संपूर्ण देश में हाहाकार मचा था, ऑक्सीजन की कमी थी, समर्पण सेवा समिति ने उस समय एम्बुलेंस एक ली ताकि पेशेंट जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे, निशुल्क एम्बुलेंस चलाई, ऑक्सीजन की कमी थी उस समय में समर्पण सेवा समिति ने ऑक्सीजन खरीदे, लोगों को निशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर प्रवाहित किए। इस समय जब देश बंद था, ऐसे में गरीब परिवारों में जब नवजात शिशुओं ने जन्म लिया, दुकानें बंद थी, जरूरतमंद परिवारों को सामग्री की आवश्यकता थी, जो नवजात शिशु जन्मे उनको लगने वाले आइटम्स जो निप्पल होती है, बॉटल्स होती है, बच्चों के बेबी फ्रॉक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उस समय मिलने के लिए कठिनाई जा रही थी क्योंकि संपूर्ण देश बंद था, लॉकडाउन था। ऐसे में समर्पण सेवा समिति ने ऐसे कई गांवों में जाकर के जहां पर नवजात शिशुओं ने जन्म लिया उन्हें वो सारी चीज़ें दिया। दुकानें बंद थी, जरूरतमंद परिवारों को सामग्री की आवश्यकता थी, जो नवजात शिशु जन्मे उनको लगने वाले आइटम्स जो निप्पल होती है, बॉटल्स होती है, बच्चों के बेबी फ्रॉक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उस समय मिलने के लिए कठिनाई जा रही थी क्योंकि संपूर्ण देश बंद था, लॉकडाउन था। ऐसे में समर्पण सेवा समिति ने ऐसे कई गांवों में जाकर के जहां पर नवजात शिशुओं ने जन्म लिया उन्हें वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा के दी। उस समय उन परिवारों को खुशी का ठिकाना नहीं था, जैसे उन्हें ईश्वर परमात्मा स्वयं मिल गया हो, ऐसा कार्य समर्पण सेवा समिति ने किया। ये हुई कोरोना काल की बात, उसके बावजूद समर्पण सेवा समिति लगातार ये कार्य कर रही है। इसके अलावा दिवाली पर पर्व पर आदिवासी गांव में जाकर के दिवाली मनाना, ठंड के मौसम में आदिवासी गांवों के अंदर में ब्लैंकेट का वितरण करना, ऐसे कई आयोजन समर्पण सेवा समिति करती है। गर्मी के मौसम में दुपट्टे का वितरण करना, शीतल पेय का वितरण करना आदि वस्तुएं इस पॉम्पलेट में हमने आज दर्शाई है, जिसका विमोचन हमने आज किया। यह विमोचन, इसके अंदर में कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ पॉम्पलेट के अंदर में दर्शाई गई है। कार्य तो अनेक किए,
लेकिन अनेक कार्य हम बता नहीं सकते जो इस पॉम्पलेट के अंदर में मुख्य कार्य आए वो सब हमने इसमें प्रकाशित किए हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी शहरवासियों जनता को ये सूचना देना चाहेंगे कि समर्पण सेवा समिति जो मेडिकल बैंक चलाती है उसका जो आप लाभ ले रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये समाचार जन जन तक पहुंचे ताकि अधिक लाभान्वित इस समर्पण सेवा समिति द्वारा हो सके। मीटिंग बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।